ब्रॉट टू यू बाय ZX कॉफ सिरप। एक्सेड नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। आज हम आपको बताएंगे कि क्या जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी को झटका देने जा रहे हैं और क्या अखिलेश यादव ने भी गठबंधन को झटका देने का मूड बना लिया है। कहां फंस गई है पैंच और कितने सीटों की मांग हो रही है, ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ बीजेपी में 4 बार के विधायक रहे पूर्व मंत्री और जिनके बेटे अभी विधायक हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ की ऐसी बेइज्जती की है जो नाकाबिले बर्दाश्त बीजेपी के लिए हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी। बात करते हैं सबसे पहले जयंत चौधरी की। दरअसल जयंत चौधरी अब उत्तर प्रदेश से बाहर अपने संगठन को ले जाना चाह रहे हैं। उनकी कोशिश है कि हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, जहां आने वाले समय में चुनाव है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए चुनाव की घोषणा हो गई है, झारखंड महाराष्ट्र में इंतज़ार है चुनाव का, तो क्या वहां पर अब वो कोशिश करेंगे? जी हां, ऐसा लग रहा है कि वो वहां पर अपनी सीटें मांगेंगे बीजेपी से, बीजेपी के साथ लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे, ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। उनकी पार्टी की तरफ से जानकारी नहीं, बस ये आई है कि वो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड जैसे राज्य में चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो सीट ढूंढ रहे हैं, अच्छे प्रत्याशी खोज रहे हैं। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो गठबंधन का सवाल बनता नहीं है। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहां भी बीजेपी इसी मूड में नजर आ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास पहले से ही एक बड़ा गठबंधन है, ऐसा गठबंधन है जिसमें आप कह सकते हैं कि सरफुटौल जैसी स्थिति वहां पर भी होगी, तो क्या वहां जयंत चौधरी को 1-2 सीट मिलेगी? और झारखंड में भी लगभग कमोवेश यही हाल है। लेकिन जयंत चौधरी के पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा ये कह रहे हैं कि भाई तैयारी पूरी है, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। सुनिए। आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 4 राज्यों में हैं, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा एंड झारखंड, राष्ट्रीय लोकदल अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। हम वहाँ पर विधानसभाओं को चिन्हित कर रहे हैं और प्रत्याशियों की भी हम तलाश कर रहे हैं कि कौन योग्य उम्मीदवार अच्छे हो सकते हैं। यूँ तो बहुत से लोग पार्टी से संपर्क कर रहे हैं इन राज्यों से, लेकिन हम बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रत्याशियों का चयन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे अच्छे प्रत्याशियों को हम उन क्षेत्रों में चुनाव में उतारें जो राष्ट्रीय लोकदल के जीत का परचम वहां लहरा सकें। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम इन 4 राज्यों में अपनी उपस्थिति बहुत ही मजबूत और सशक्त तरीके से दर्ज कराएंगे। आप सबका साथ और स्नेह रहेगा तो हम और भी अच्छा इसमें कर पाएंगे। फिलहाल अभी हम प्रारंभिक दौर में हैं, शीघ्र ही हम इस संबंध में और अच्छी खबर आप सबसे साझा करें। तो क्या बीजेपी इस पर कोई फैसला लेगी या जयंत चौधरी जो कि मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, उनकी पार्टी इन सभी राज्यों में अलग लड़ेगी? अब बात जयंत चौधरी से अखिलेश यादव की, वो भी अलग लड़ने के मूड में, उनका गठबंधन अलग है, वो विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं और उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर पेंच फंसती नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस और सपा आमने सामने आ गए। सपा ये कह रही कि जैसा व्यवहार हमारे साथ महाराष्ट्र और हरियाणा में होगा, वैसा ही व्यवहार हम आपके साथ उत्तर प्रदेश में करेंगे। कांग्रेस कह रही कि भाई साहब हमें चाहिए 5 सीट, हमने भेज दिया आला कमान को। हम इतना कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सीटें चाहती है, हम हरियाणा में चाहते हैं, हम महाराष्ट्र में चाहते हैं, तो दूसरी जगह जितना हमारा सम्मान उतना कांग्रेस का सम्मान। देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है, राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसके साथ हम सब लोग खड़े हैं। केंद्रीय नेतृत्व को हमने अपना प्रस्ताव भेज दिया, निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। उपचुनाव को लेकर क्या प्लान ऑफ एक्शन है, कितनी सीटों पे आप लोग लड़ने जा रहे हैं? हमने 5 का प्रस्ताव बना के दिया था, जो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल के 7 सीटें थी, उसका प्रस्ताव हमने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है, निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को करना है। तो कौन सी 5 सीटें वो हम आपको आते हैं? दरअसल कांग्रेस जो है वो मीरपुर, मझवा, फूलपुर, खैर, गाजियाबाद जैसी सीटें मांग रही है, जबकि उसके इतर सपा सिर्फ खैर और गाजियाबाद देने के मूड में है। यही नहीं, सपा ये चाहती है कि हरियाणा में उसको कांग्रेस सीट दे जहां पर अभी चुनाव है और इसके बाद आगे महाराष्ट्र में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां पर भी कुछ सीटें उसको दी जाए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इससे पहले सपा बेहतर पॉलिटिक्स करती रही क्योंकि वहां पर उत्तर भारतीयों के अंदर समाजवादी पार्टी का कुछ वोटर है। हरियाणा में फोकस यादव वोटर्स पर है, लेकिन क्या कांग्रेस ऐसा करेगी, क्या
हुड्डा जो कि कांग्रेस में मुख्य तौर पर हरियाणा देख रहे हैं, क्या उनका खेमा इसके लिए तैयार हो, क्योंकि कांग्रेस के हरियाणा फ्रैक्शन में भी बहुत सारी खेमेबाजी है। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ऐसे खेमेबाजी है जिसमें कांग्रेस को सपा के लिए दे पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सपा इससे पहले मध्य प्रदेश में भी सीट चाह रही थी विधानसभा में, और जो ऐसे ही खेमेबाजी के चक्कर में हो नहीं पाया। उसके इतर सपा जो है वो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है और वहां पर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं, क्योंकि वहां पर कांग्रेस का गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। तो कुल मिलाकर पेश तो फंस गया है। अब क्या ये कांग्रेस को देंगे झटका, क्या गठबंधन बना रहेगा, क्या कांग्रेस दो सीटों पर मान जाएगी, क्या हरियाणा और महाराष्ट्र में अगर सीटें नहीं मिलती है तो क्या उत्तर प्रदेश में सपा मान जाएगी, ये तमाम सवाल हैं, शायद जिसके जवाब आपको जल्द ही मिल जाएंगे। अब आते हैं दिन की तीसरी खबर की। तीसरी खबर बड़ी दिलचस्प है। खबर है पीलीभीत के एक विधायक के पिता की। उल्टा कर देते हैं, एक पूर्व मंत्री, चार बार के विधायक, जिनकी वजह से उनके बेटे विधायक बने, उनके एक बयान की। नाम है राम शरण वर्मा। उनके बेटे विवेक वर्मा जो है वो अभी बीजेपी से विधायक है, लेकिन राम शरण वर्मा ने एक ऐसा बयान दिया है वो बहुत ही चर्चित हो गया। उन्होंने कहा है योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो अब तक के सबसे बेकार मुख्यमंत्री। सबसे बढ़िया मायावती थी क्योंकि उनके दौर में लेन देन नहीं होता था। लेकिन लेखपाल पैसा ले रहा है तो जनता जानती है कि पैसा क्या बगैर ऊपर वालों की राय ले रहा है। मैं तो लोगों से यही कहता हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ योगी की जितने भी मुख्यमंत्री थे सारे मुख्यमंत्रियों से बेकार नकारा, इतना पैसा चल रहा। अगर इससे बढ़िया मायावती थी जिसके समय में पैसा बंद हुआ था, कहते मैं डरता नहीं होगी होगी थी तो मैं सबको कह देता हूँ। दरअसल भ्रष्टाचार के मामले में आवारा पशु को लेकर उन्होंने एक धरना बुलाया था, उस धरना में बात बोल रहे थे और बोलते बोलते उन्होंने कहा कि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि योगी आदित्यनाथ अब तक के उत्तर प्रदेश के सबसे बेकार मुख्यमंत्री हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से ये पहला हमला योगी आदित्यनाथ के तौर पर तरफ नहीं है, ये हालांकि बहुत सीधा हमला है, इससे पहले कई अपरोक्ष रूप से भी इसी तरीके के बयान सामने आते रहे हों, चाहे वो OBC के मुद्दे पर उन्हें चिट्ठी लिखने की बात रही हो या कुछ विधायकों का सरकार द्वारा अधिकारियों को छूट देने की बात कही गई हो। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ के ऊपर लोकसभा चुनाव के बाद से ऐसे हमले बढ़ गए। देखने वाली बात यह है कि क्या कोई बीजेपी इस पर कोई एक्शन लेती है, क्या राम शरण वर्मा को कोई नोटिस भेजा जाता है या बीजेपी इस बात को जाने देती है। तो फिलहाल ये था आज का यूपी, देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।